क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कुछ नहीं, थोड़ा सा उसको समझना है। केंद्र ए से आरंभ होकर क्या चलता है, कुछ जो भी आपका दिया गया है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं दी गई हैं 0.5, 1, 2। आगे उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाएगा, जैसा कि निम्न सरलीकृत आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों की बने सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी, कुल लेंथ अपन को ज्ञात करना है। इस प्रकार से देखो, इस सर्कल जो था वो कुछ ऐसे 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 बनता जा रहा था और लगातार इस प्रकार से इसको 13 बार ज्ञात करना है। 13 बार यदि आप इसको घुमा दोगे, घुमा दिया, तो फिर आपको ज्ञात करने क्या कह रहा है, जो ये सर्कल की जो अर्ध बीच में काट दिया, फिर 13 बार घुमाने के बाद जो लंबाई होगी वो लंबाई आपसे पूछने की वो बोलता है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो ये लगातार जो लंबाई बढ़ती जाएगी वो इनके हिसाब से बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और प्रत्येक बार लंबाई कितनी बढ़ती हो रही, 0.5, त्रिज्या में कितनी 0.5 वृद्धि हो रही है, प्रोजेक्ट के हिसाब से सब कुछ चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर आप लोगों का बिल्कुल सब कुछ तय हो गया, क्योंकि ए का मान आप लोगों का शुरुआती कितना था 0.5, बी का मान भी 0.5 है, और एन कितना है, कितने ज्यादा सर आज आप लोगों का बताया जा रहा है, बताया गया 13 क्रमांक है, तो एन का मान आप लोगों को बता दिया 13। ओके, अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, एन का मान आपको बता दिया 13। अब ए का मान आप लोगों को 0.5 सेंटीमीटर तो कह दिया उसने, लंबाई यदि हम लेंगे तो क्रमागत पथ के अनुसार लेंगे। अब ये जो लंबाई होगी ये उसकी त्रिज्या होगी, पाई आर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई के रूप में आती है कि नहीं आती है, तो इसमें पाई लगाना पड़ेगा। तो फिर ए का मान भी पाई, डी में भी इतने पाई का अंतर, डी में पाई का, हाँ डी में भी पाई का अंतर ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ हमारा पाई से डिसाइड हो रहा है, पहली वाली दूरी कितनी है, दूसरी वाली दूरी, क्योंकि लंबाई के लिए हम जो वो सर्किल आकार में लेते हैं पाई का मान, एक पाई का मान कितना होता है 22/16। ओके, सॉरी, ऐसे ना हमको ज्ञात करना है, क्या कितने तक, 13 पदों तक ज्ञात करना है, तो एस 30 सीधा सीधा ए कितना है एन बाई टू, यानी 13/2, 2a मतलब 5π, और प्लस एन माइनस वन, 13 माइनस का 1, और डी दिया गया है 0.5π। पाई क्यों ले रहे हैं, समझ में आया, कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन हमको तो परिधि नहीं, हमको तो पूरा का पूरा लंबाई के रूप में लेना है, तो फिर क्षेत्रफल भी नहीं निकाल रहे हैं, तो सिर्फ ये वाली, तो पाई के रूप में सिर्फ एक लाइन, सीधी की सीधी लाइन का मान होता है कितना, जो है 180 डिग्री के रूप में मापा जाए तो कितना होता है, 360/π के रूप में आपने हमेशा देखा होगा, थीटा स्क्वायर कितना होता है पाई के रूप में, कितना होता है एक जो डिग्री जो आप मानते हो पाई बराबर कितने डिग्री होता है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो टी के रूप में भी आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो ये आपका आएगा 13/2, और ये आपका आएगा 1π, और ये आप करोगे तो 12×7 मीन्स 6π आएगा, 13/2, और ये आएगा 7π, 93/91 आएगा, मीन्स पॉइंट 93/91, ये पाई के रूप में खोल दें, क्या पाई का मान रखते हैं 22/7। ओके, 7 से 7 कट गया, इससे कट गया 11, और 11×13 करोगे तो 13×13, हाँ से 13×13 14, 143 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल की अभिष्ट कुल लंबाई की बात करते हैं, इस लेंथ की जो लगातार बढ़ती जा रही है वो होगी 143 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ए का भी मान दिया गया था, डी का भी मान दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा पाई का मान क्यों, क्योंकि ये सर्किल आकार की बात कर रहा था, और कुछ होता तो पाई की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।